मैट्रिक्स की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज आल्सो डिफाइंड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ इट्स स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं ऑलरेडी, दैट इज लेट ए बी ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज सेट टू बी ए इनवोल्यूटरी, ऑफकोर्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो इनवोल्यूटरी, क्योंकि आई स्क्वायर करने पे ऑलवेज आई आएगा। अगेन माइनस आई का स्क्वायर करने पे वो आई आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन माइनस आई इज इनवोल्यूटरी। सिमिलरली हम बहुत सारे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, 2x2 के हो गए। सिमिलरली हम 3x3 के भी बना सकते हैं इस तरीके से। 4x4 का भी बना सकते हैं। 0 0 ए 0 0 वन अपॉन 2 0 सपोज 0 2 0 0 वन अपॉन ए 0 0 0 इस तरीके से और भी बहुत हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये कैसे बन रहे हैं। फॉर्मेशन इसका देखेंगे, इसके डेफिनेशन में ही इसका फॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो एक बार हमें पता चल जाए कि भाई ये बन कैसे रहा है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा या कौन सा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, आप फॉर्मेशन देख लीजिएगा। जैसे भी जितने भी जिस टाइप के भी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनते हैं इसी फॉर्मेट में बनेंगे। सो हियर जस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर होने पे आइडेंटिटी आ रहा है। यानी अगर ए में जो है 2x2 का ले लूँ, सपोज ए बी सी डी। ओके, सो सच दैट ए स्क्वायर करने पे वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो इस इक्वेशन में चार अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। चारों इक्वेशन से हम ए बी सी डी में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, रिलेशन अमॉन्ग्स ए बी सी डी। तो जैसे ही हमने ए बी सी डी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जो एलिमेंट ए बी सी डी जो है, इसके एंट्रीज जो है, वो एक दूसरे में रिलेट कर रहे होंगे। आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर किया, ये 2x2 के लिए कर रहा हूँ। देन एन क्रॉस एन के लिए भी वैलिड होगा ये, जब हम जनरलाइज करेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमें इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनानी होती है, ओके, सपोज ए आई जे हैज एंट्री के, कोई के एंट्री है, देन द ए जे आई हैज एंट्री वन अपॉन के, प्रोवाइडेड इन वन रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हैज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट, दैट इज टू फॉर्म या टू मेक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए आई जे हैज एंट्री के। ओके, ए एंट्री के, देन द ए जे आई हैज एंट्री वन अपॉन के, ए जे आई हैज एंट्री वन अपॉन के, प्रोवाइडेड इन वन रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हैज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन से साइज का हमें मैट्रिक्स बनाना है। सपोज मुझे बनाना है 4x4 का। तो ये कह रहा है ए आई जे हैज एंट्री के, देन द ए जे आई हैज एंट्री 1/k। सपोज दिस इज 0, दिस इज के, देन 0 0 एंड प्रोवाइडेड इन वन रो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हैज ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट। ध्यान
रखिए। अब इस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम बना उसमें ये नॉन जीरो एलिमेंट आ चुका है, तो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो या एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होंगी। सो अब यहाँ पे हमारा ए 1 2 जो है के आ गया है। सो ए 2 1 हमारा क्या आना चाहिए, 1/k आना चाहिए। सो ए 2 1 कहाँ पे, ये यहाँ पे 1/k। सो बाकी जितने भी होंगे वो जीरो। एक रो में सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, एक ओनली वन आएगा। सो हियर और जीरो। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी एंट्रीज है कॉलम में वो जीरो होंगे, तो हमने ये जीरो, ये ऑलरेडी जीरो था, ये जीरो कर दिया। अब यहाँ पे बचा सपोज ये जीरो, और सपोज यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यानी जो एंट्री है हमारी 3 4, ये एंट्री है 2। सो a 4 3 1/2 होना चाहिए। सो a 4 3 कहाँ पे आएगा, 4 3 यहाँ आएगा, दिस इज 1/2। कॉरस्पॉन्डिंग दिस रो, ये कॉरस्पॉन्डिंग दिस एंट्री कॉलम जीरो होना चाहिए, है ही। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग दिस एंट्री जीरो होना चाहिए, अगेन जीरो ही है। ये हमारा बन गया एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ साइज 4। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और नए नए हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो जब भी आपको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है वो चेक करना है, AIJ देख लीजिए और AGI एंट्री देख लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई करने पे वो 1 आना चाहिए, ठीक है। बाकी एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग दैट एलिमेंट द कॉलम एंट्रीज ऑफ कॉलम आर जीरो। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी बोथ आर द इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस एंड के बी एनी स्केलर, के बी एनी स्केलर, देन नंबर 1 के ए इज अगेन इनवोल्यूटरी इफ के इज इक्वल टू +-1। वाई सो यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रूफ होते हैं इनके, तो आप खुद भी कर सकते हैं। सी हियर ए इनवोल्यूटरी है, दैट मीन्स ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। सो के ए अगर इनवोल्यूटरी है तो ये क्या होना चाहिए, के ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ही आनी चाहिए। सो के स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इट इम्प्लाई के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आई इक्वल टू आई, इट इम्प्लाई के स्क्वायर आई स्केलर मल्टीपल हो रहा है के स्क्वायर आई, आई के साथ। तो जैसे ही के स्क्वायर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल में जो एंट्री होंगी वो के स्क्वायर हो जाएंगी। सो दोनों को इक्वेट करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगी, इट इम्प्लाई के इक्वल टू +-1। सिंपल। सेकेंड, ए प्लस बी इज इनवोल्यूटरी, कंडीशन है इफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू -i। अगर ये पॉसिबल है तभी हो सकता है। कैसे, ए और बी तो इनवोल्यूटरी है ही, इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो रहा होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू भी आई हो रहा होगा, बिकॉज ए बी आर इनवोल्यूटरी गिवन है। तो हमें शो करना है ए प्लस बी भी इनवोल्यूटरी होगा, दिस मीन ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आई। सो हियर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज आई, अगेन दिस इज आई, आई आई एड कर लेंगे तो 2i हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी ए। अब ये जो है आई तभी हो सकता है जब ए बी प्लस बी ए माइनस आई हो जाए, वी गेट द रिजल्ट। थर्ड, ए बी इज इनवोल्यूटरी इफ ए बी इक्वल टू बी ए, इट मीन्स अगर ए बी बी ए कम्यूट करते हैं
तभी ये इनवोल्यूटरी होगा, प्रोडक्ट भी। सो ए बी अगर इनवोल्यूटरी होना है तो ये क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, बट ए बी, ए बी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी हो सकता है जब ये कम्यूट करे। दिस इज, ये ऑलरेडी हमें पता है आई है, दिस इज आई अगेन। सो कंडीशनल है ये तीनों प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी फोर्थ, इफ ए इज इनवोल्यूटरी देन ए टू द पावर आर इज इनवोल्यूटरी। ए टू द पावर आर इज ऑलवेज इनवोल्यूटरी फॉर एनी आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज ए टू द, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर आर, दिस इज ए स्क्वायर आर। ए स्क्वायर तो ऑलरेडी आई आ चुका है बिकॉज ए इज इनवोल्यूटरी, सो इट विल बी आई टू द पावर आर विच इज आई। सो इफ ए इज इनवोल्यूटरी देन ए आर इज इनवोल्यूटरी। सो हियर रिजल्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई विच इज इनवोल्यूटरी, ए इज इनवोल्यूटरी मीन्स, ओके, इफ ए इज इनवोल्यूटरी देन ए टू द पावर इवन इज ऑलवेज गिव्स आइडेंटिटी, बट इफ ए टू द पावर ऑड इज ऑलवेज, ए जस्ट ऑपरेट, ये कैसे हो रहा है, जस्ट ए स्क्वायर किया हमने, आई है, ए जैसे ही ऑपरेट किया ये ए क्यूब हो गया, इट विल बी ए, ए फोर करने पे ए स्क्वायर होगा विच इज आई। तो जब भी ए अगर इनवोल्यूटरी है, ए की पावर इवन होने पे वो ऑलवेज आइडेंटिटी देगा, ए की पावर ऑड नंबर होने पे वो ऑलवेज मैट्रिक्स ए देगा। सो यह ए 2019 इज ऑलवेज ए इफ ए इज इनवोल्यूटरी। सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स या नोट्स बोल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ओवर एन विच आर इनवोल्यूटरी, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ एन विच आर इनवोल्यूटरी आर 2^n। वैसो किस तरीके से, अब देखिए सपोज डी जो है डायगोनल मैट्रिक्स है a1 a2 an, सो डी स्क्वायर करने पे वो आइडेंटिटी आना चाहिए तभी ये डायगोनल होगा, डायगोनल प्लस इनवोल्यूटरी, डायगोनल तो है ही ये, डी स्क्वायर करने पे अगर आई आ जाता है तो वो होगा हमारा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। सो तो डायगोनल में जितने भी एंट्री होंगी डी स्क्वायर की, जैसे डी स्क्वायर किया मैंने, सो दिस इज ए डायगोनल a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड सो ऑन an स्क्वायर, सो दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज अगेन ए डायगोनल 1 1 1, सो इट इम्प्लाई ए आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल हैज टू चॉइसेस, सो इसके पास टू चॉइस है, अगेन टू चॉइस, टू चॉइस, सो इसके लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होने के बाद तो आएगा ही, इसके पास a1 में भी 1 और माइनस 1, तो a1 के पास टू चॉइस है, a2 के पास 2 है, an के पास 2 चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आर 2 × 2 × 2 अप टू n विच इज 2 टू द पावर n। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज 1, सेकेंड इफ a इज इनवोल्यूटरी, सो इट इम्प्लाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, सो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इनवोल्यूटरी है, तो दिस इम्प्लाई दिस एंड दिस इम्प्लाई दिस, डेफिनेशन आर ऑलवेज इफ एंड ओनली, इफ ए इज इनवोल्यूटरी देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, एंड इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन वी कैन से ए इज इनवोल्यूटरी। सो ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल्स टू 0, 0 मैट्रिक्स, ए स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए माइनस आई ए प्लस आई इक्वल्स टू 0, दिस इज इफ एंड ओनली इफ। तो अगर ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ये हमेशा होल्ड होगा। तो इस तरीके से भी अगर गिवेन हो तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें, इफ ए इज इनवोल्यूटरी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नंबर वन, ए बी इज इनवोल्यूटरी। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, और भी बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, जितना भी अभी हमने किया है वही ऑप्शन बना रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें नॉन सिंगुलर के बारे में पूछ सकता है, ट्रेस भी पूछ सकता है इसका। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें, जो कि हम जब भी आगे आएगा हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर ए इज इनवोल्यूटरी देन ए बी इज इनवोल्यूटरी नॉट करेक्ट बिकॉज दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज ए बी इज इनवोल्यूटरी इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। दिस इज करेक्ट, अभी अभी हमने यहाँ से किया। दिस इज सेम, थ्री इज ऑल्सो करेक्ट, 2019 इज आई। ओके, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन ए इंटू ए इक्वल्स टू ए, दैट इज ऑलवेज ऑड आने पे वो ए आ रहा है, ना कि ऑड आने पे ये। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इवेन पे ऑलवेज ये आइडेंटिटी देगा। सो आवर आंसर आर टू एंड थ्री ओनली। सो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे केवल ये पर्पस था कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताने का था। ठीक, नेक्स्ट में हम करेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स।